हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन योर यूट्यूब चैनल श्याम व्लॉग्स। एंड आज आपके सामने रिव्यू करेंगे चॉकलेट अतर एंड फ्यूगो बॉस का, एफ बॉस जिसे हम बोलते हैं, एंड अल अमीन परफ्यूम कंपनी है। दोनों 6 ml के रोल ऑन हैं। बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से है। एंड अगर आपको ये परचेज करने हो तो इसके बाय नंबर यहाँ पर दे रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और चलिए अब इसके रिव्यू करते हैं, ये अतर्स कैसे हैं, इनकी खुशबू किस तरीके से है, क्या ये चॉकलेट की तरह मिलता है, क्या ये एफ बॉस जो हमारा परफ्यूम आता है बड़े ब्रांड्स का उसके जैसा है या नहीं है। चलिए सबसे पहले एफ बॉस की ही बात करते हैं। ये अतर मुझे काफ़ी पसंद आया है यहाँ पे, एंड देख सकते हैं आप इसकी जो अल अमीन परफ्यूम कंपनी की अल्कोहल फ्री है, 6 ml की साइज़ है, एफ बॉस यहाँ पे मार्किंग की गई है। ये जो है ये कैप इसकी मेटल की है एंड रोल ऑन के साथ में आपको मिलता है। चलिए मैं इसे रब कर लेता हूँ आपके सामने ही, ठीक है। तो ओके आ गया। एंड फ्रेंच का नोट में से कहूँगा, फ्रेंच नोट है यहाँ पे, और मेनली खुशबू दे रहा है जो हमारा जो स्वेट होता है यानी पसीना होता है मेनली का मर्दों वाला, तो हल्के से उसके साथ जब रिएक्शन करता है या उस जैसी खुशबू आती है मतलब फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर जो हम कहते हैं ना कि जो फॉरेन के जो फ्रेंच के जो परफ्यूम्स जो होते हैं वो इसी बेसिस पे बनते हैं कि हम जो हमारा जो फीमेल पार्टनर है उसे ये चीज़ पसंद आए या उसको ये चीज़ अट्रैक्ट करे। तो हाँ, ख़ास तौर पे उसे इस तरह से बनाया गया है, हूबहू कॉपी की गई है। फ्लावरी नोट्स हैं, फ्रूटी नोट्स हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसके अंदर डाला गया है। और स्वीट नोट है, फ्रेशनेस है, हल्की सबसे पहले आपको फ्रूटी नोट, देन फ्लावरी नोट, देन स्वीट में, एंड उसके साथ में फ्रेशनेस, ये चीज़ मिलाई गई है। बेस नोट में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बेस नोट में आपको मिलेगा मेनली वाइब, मर्दों की जो वाइब होती है, खुशबू होती है, वो इसके अंदर डाली गई है। सो रेटिंग की बात की जाए, रेटिंग कितनी दूंगा मैं इसके अंदर, तो इसको मैं रेटिंग दूंगा 10 में से 9 नंबर या 8.5 या 9 नंबर के आसपास इसकी रेटिंग है। और आप अगर अल अमीन परफ्यूम कंपनी के अगर कोई भी, अगर मैं 3 अतर आपको परचेज करने के लिए बोलूं, तो आपको एक तो वाइट ऊद लेना है इनका, एक आपको अपने असील अतर लेना है, और एक एफ बॉस भी आप ले सकते हैं। तो ये 3 अतर तो मैं आपको कहूँगा आपको लेने ही चाहिए, और काफ़ी पसंद आएगा आपको, ठीक है, काफ़ी पसंद आएगा। और मेल फीमेल, मेल लगा सकते हैं, बच्चे लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादा एज पर्सन के लिए ये नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा प्ले बॉय टाइप का अतर है और उनको ही पसंद आएगा। सो अभी इसको अंदर रख देते हैं, एंड उसके बाद में हम आते हैं हमारे चॉकलेट अतर में। तो ऐसा क्या है, क्या ये चॉकलेट है या नहीं है, तो इसके भी रिव्यू करेंगे हम। तो चलिए अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ। सो अभी इसको लगाते हैं यहाँ पे हाथ पे। ओह, बहुत ज़्यादा आ गया, ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, 1 मिनट। ओके, सो ओके, इसकी जो खुशबू है फ्रेंड्स चॉकलेट अतर की, वनीला का फ्लेवर, कोकोनट का फ्लेवर, और पाउडरी नोट है चॉकलेट में, इसको नहीं कहूँगा कोकोनट जैसी खुशबू है। और जो अलनुएम का एंड एरोकेम का जो चोको ब्लास्ट है, और एलनुएम का जो चोको मस्क है, उसके बराबर ही आपको खुशबू मिलेगी। और एंड फाइनल जो इसकी खुशबू मिलेगी आपको, पार्ले जी बिस्कुट नहीं होता है, आपने खाया होगा तो उस फोटो देख आप देख लेना, वैसी आपको खुशबू मिलेगी कि आप कहेंगे ये पार्ले जैसी खुशबू कहाँ पे आ रही है। पर इसमें जो स्टार्टिंग की जो इसमें खुशबू है वो हल्की सी आपको बिटरनेस यानी कड़वी खुशबू आ सकती है, उसका थोड़ा आप ध्यान रख लेना। इसकी जो कलर है यानी जो है वो हल्का सा पीला कलर है, तो सफ़ेद कपड़ों पे लगाने से थोड़ा सा परहेज करना, पर आप लगा लेना, इतना दाग नहीं मंडेगा। एंड हाँ, वनीला है इसके अंदर, कोकोनट है, एंड पाउडरी नोट आएगा उसका, एंड
पार्ले जी जैसी बिस्कुट होती है वो है, एंड चॉकलेट मैं इसे नहीं कहूँगा, पर एक प्रकार से बात की जाए तो खुशबू जो है वो अच्छी है, आपको पसंद आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लगेगा। ठीक है, चॉकलेट नहीं है अभी तक मैंने जितने भी अतर देखे हैं ब्रांड के, ठीक है, उनमें चॉकलेट एक में भी नहीं मिला है, ये पता नहीं क्यों। एंड अल्नुएम का जो ब्लैक ऑर्चिड है उसमें लगभग 50-70% चॉकलेट का मिश्रण आता है, चॉकलेट जैसी खुशबू आती है, पर वो भी चॉकलेट नहीं है। ठीक है, तो जिसे मैं फादर ऑफ ऑल अतर्स कहता हूँ। तो ये है बात, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, ये सबके लिए, मेल फीमेल गर्ल बॉय एंड वॉट एवर, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी इसकी खुशबू रहेगी। लॉन्ग लास्टिंग के मामले में अल अमीन परफ्यूम कंपनी का कोई तोड़ नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग सबसे बढ़िया होती है इनकी। तो ये एफ बॉस आप देख लेना, इसकी खुशबू कैसी लगी आपको, अगर समझ में आए तो आप इसे ज़रूर लीजिए, परचेज़ कीजिए, इसे भी आप ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। एंड ये था इसका रिव्यू, कैसा लगा जरूर बताइए वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम, सब्सक्राइब प्लीज़।